बड़ी उम्मीद थी तेरे दर से, लेकिन तुझसे जितनी उम्मीद की तू उतना ही दगाबाज निकला। हर बार जितनी आस बनती है, जितनी मार्केट से उम्मीद होती है, वो उतनी ही नीचे गिर जाती है। और इस टाइम तो हद कर दी, इस साल के सबसे अपने लो पे इस टाइम पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी चल रहा है। सितंबर 2017 के बाद ये अपने सबसे लो पर है, 3300-3400 डॉलर पे, ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद आप कह सकते हैं। और मार्केट जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की पहुंच गई है 100 बिलियन पे। दोस्तों हालात हैं, सिचुएशन और बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जैसा हमने पिछली 3-4 वीडियो में आशंका जताई थी, अगर बिटकॉइन का प्राइस 4000 डॉलर पे नहीं टिकता और वो 3300-3600 डॉलर पे आ सकता है, अगर वहाँ पे भी नहीं टिकता तो ये 3000 डॉलर पे आ सकता है। और आप कह सकते हो कि अगर अब की बात करें फिलहाल तो ऑलमोस्ट 3300 डॉलर के आसपास चल रहा है। लेकिन अब क्या बैड न्यूज़ आई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसी टाइम पे अगर ऐसी बैड न्यूज़ आती हैं तो वो क्या है, और बियरिश कर देती हैं मार्केट ट्रेंड को। दोबारा से एससी ने विलन का रोल प्ले किया है मार्केट को क्रैश करने के लिए, आप कह सकते हैं। जी हाँ, 24 जनवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन ETF के लिए हेयरिंग होनी थी और अप्रूवल या रिजेक्शन के लिए, अब जो दोबारे से है एससी ने उसको पोस्टपोन कर दिया है, डिले कर दिया है। तो ये एक रीज़न माना जा रहा है बिटकॉइन एकदम से क्रैश कर गया, और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज़ है। ज़्यादा फ़र्क नहीं, 1 महीने आगे डिले किया है। और उन्होंने अपने जो है पब्लिश किया है अपनी स्टेटमेंट की वो जो है देख रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, और 27 फरवरी नेक्स्ट डेट दे दी गई है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से। दोस्तों क्या लग रहा है कि क्या हो क्या रहा है, बैक भी जो है सेकंड मंथ के अंदर प्लान कर रहे हैं, और क्या है बिटकॉइन ETF भी सेकंड मंथ के अंदर चला गया है, नैसडैक का फ्यूचर भी फर्स्ट क्वार्टर में आना है, ये क्या हो रहा है। एक तरफ दिल कहता है कि ये कहीं ना कहीं माल बटोर रहे हैं, दूसरी तरफ मतलब कंफ्यूजन सी इतनी हो रखी है मार्केट के अंदर, और जो हम जैसे लोग हैं, आम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत निराश हैं और एग्ज़िट कर रहे हैं। लेकिन ये सब हो क्या रहा है, क्या इन सब की मिलीभगत है या क्या है, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। बट ये जो है आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बटोरी जा रही हैं चीज़ें, माल को इकट्ठा किया जा रहा है। और जो एससी की कमिश्नर है हेस्टर पियर्स, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले एक जगह पे स्टेटमेंट दी थी कि बिटकॉइन ETF हो सकता है 2 महीने में आ जाए और हो सकता है 20 साल के अंदर आए, तो उसके भरोसे पे मत रहिए। लेकिन इंस्टीट्यूशन अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो बिटकॉइन ETF बैक्ड जैसे प्लेटफॉर्म का आना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए उनसे आस बंधी हुई है। लेकिन क्या ये मैनिपुलेशन चल रही है, क्या इन सब की मिलीभगत है, इसको हमें देखना होगा। और कोई बात नहीं, 1-2 महीने और सही, जहाँ इतना वेट किया है तो 1-2 महीने में। अब बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। दोस्तों जैसा कि हमें आशंका थी पीछे की वीडियो में भी, 4000 पे अगर ये सस्टेन नहीं करता और 4800 को ब्रेक करता है तो ये आ सकता है 3500। 3500 को भी एक सस्टेन नहीं कर पाया आप देख सकते हैं, और 3500 के बाद में ये सीधा धड़ाम से गिर पड़ा 3300-3250 डॉलर के आसपास ये आ गया था। अब यहाँ से क्या लग रहा है, 3000 लगता है अगर यही सिचुएशन रही, ऐसा ही ट्रेंड रहा, तो ये 3000-2700 वर्स सिचुएशन के अंदर 2700 आ सकता है। 3000 डॉलर यहाँ से कहीं ना कहीं ही लगता है कि ये आएगा। अगर 3000 डॉलर आता है तो इथीरियम की बात करें तो 60 डॉलर के आसपास होगा। कोई सोच सकता था इथीरियम जैसी चीज़ 60 डॉलर पे मिलेगी, रिपल जैसी चीज़ 20 सेंट में मिलेगी, तो ये सब चीज़ें अभी जो है लग रहा है कि ऐसा होगा। तो आपको जो है हम यही बता रहे थे कि जो ये पॉइंट्स है ना सपोर्ट के, इन पे ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट है, अभी 3300 डॉलर एक अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ से अगर ये गिरता है तो फिर 3200 और फिर बाद में आप कह सकते हो 3000 और फिर 2700 डॉलर पे इसको सपोर्ट है। 3000 डॉलर से एक अच्छा बाउंस बैक मिलना चाहिए, क्या है वो टेम्परेरी हो, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है और ये रिवर्स कर सकता है 3500 से 4000 डॉलर। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों अगर 3000 डॉलर के आसपास आता है तो लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। इथीरियम अगर 60 डॉलर के आसपास आता है या 50 डॉलर के आसपास आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने की। लेकिन आप देखोगे जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की वो बढ़ रही है, उस टाइम पे 55% से ऊपर चली गई है, तो सिचुएशन और बद से बदतर होती जा रही है। और क्रिप्टो करेंसीज जो हैं दूसरी वो और टूट रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव साइन आ रहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर यूएस अगर ग्लोबल रिसेशन की बात करें तो एक चीज़ मानी जाती है इन्वर्टेड यील्ड कर्व, वो जो है एक इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक रिसेशन का,
और वो जो है कहीं ना कहीं टच कर रहा है। अगर ये होता है और रिसेशन आता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। हिस्ट्री गवाह रही है कि जब भी अगर ऐसा रिसेशन आता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, गोल्ड के अंदर एक नया उछाल होता है। तो अगर बिटकॉइन की बात करें तो इसको भी जो है क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल गोल्ड बोला जाता है। तो दोस्तों अगर US मार्केट के अंदर या ग्लोबल रिसेशन आता है तो बिटकॉइन के अंदर आने वाले 2019 के क्वार्टर के अंदर एक अच्छा सा उछाल देखने को मिल सकता है, साथ के साथ गोल्ड के अंदर एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। और अगर ये ट्रेंड जैसे शेयर मार्केट और क्रैश होगी, स्टॉक मार्केट और क्रैश होगी, तो जिसके चांसेस कम है कि उसके साथ साथ चले, क्योंकि यूजुअली जो है शेयर मार्केट के अपोजिट चलती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, लेकिन पिछले 3 महीने से देखें तो उसी के साथ साथ चल रही है। तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा लगते हैं कि अगर रिसेशन आता है तो यहाँ से मार्केट थोड़ी सी बुलिश होगी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन खासकर। तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको बताया जाए तो जो सपोर्ट बनी हुई है वो 3300 3000 पे एक सपोर्ट है, वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करना चाहिए। अगर वहाँ नहीं टिकता है तो ये नीचे आएगा $2700 के आसपास भी आ सकता है। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। SC का भूत जिन कब ख़त्म होगा, आई होप कि ये जो डिले हो रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो 2019 की है सब कुछ ख़त्म हो जाए और एटलीस्ट हमें जो है थोड़ी राहत मिले। या तो रिजेक्ट करो या इसको अप्रूव करो, इस चक्कर से हर बार जो नुकसान होता है या जो झटका लगता है कम से कम वो तो ख़त्म होगा। तो दोस्तों इसी नोट के साथ में मैं विदा लेता हूँ आपसे। आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, काम की लगी हो, तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।